खबरों को करते हैं शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज सदन में दिवंगत विधायकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पक्ष और विपक्ष दोनों दल के विधायक देंगे श्रद्धांजलि। तो सत्र का पहला दिन आज से शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र की तैयारी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष लगा हुआ था, और आज मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड में। और आज पहले दिन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मॉनसून सत्र के पहले दिन भराड़ी सेन में ये मॉनसून सत्र आयोजन किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। सीएम धामी भी मौजूद है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 3 दिनों का ये सत्र चलने वाला है। उसके बाद प्रश्न भी उठाए जाएंगे विधायकों के द्वारा। तो पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक आज श्रद्धांजलि देंगे। आज सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो सभी विधायकों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ये मॉनसून सत्र 3 दिनों तक चलेगा। आज पहला दिन है मॉनसून सत्र का, और इसी सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। तो लगातार सत्र के कम अवधि को लेकर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को, राज्य सरकार को घेर रहा था। और आज सत्र का पहला दिन है, और सभी दल दिवंगत विधायकों को आज श्रद्धांजलि देंगे सदन में। और ऐसे में सभी दल मौजूद हो रहे हैं सदन में, सत्र में शामिल होने के लिए सभी दल परिसर पहुंच रहे हैं, सदन पहुंच रहे हैं। भराड़ी सेन में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन, 3 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है, और आज पहला दिन है जिसमें सभी विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासत भी तेज थी, और लगातार विपक्ष कम अवधि को लेकर सरकार को घेर रहा था। वह सदन का पहला दिन है, हंगामेदार रहने को लेकर भी विपक्ष लगातार प्लान कर रहा था कि वो विरोध करेगा। उपवास पर भी हरीश रावत जाएंगे। तो ऐसे में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन, और लगातार मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहने का आसार भी जताया जा रहा था। तो सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, और सत्र की अवधि मात्र 3 दिन की है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष राज्य सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था। हरीश रावत आज उपवास पर भी जा सकते हैं, मौन व्रत की भी बात की जा रही थी। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायक आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का आज पहला दिन आज से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र, और ये मॉनसून सत्र की अवधि मात्र 3 दिनों की रखी गई है, जिसको लेकर तमाम तरीके से विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर था। और इस कम दिन को लेकर जहां राज्य सरकार बोल रही थी कि बिजनेस जितने मिलते हैं उसके आधार पर ही दिन तय की जाती है, लेकिन विपक्ष कह रहा था कि प्रश्नों से बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए ये कम दिन रखा गया। तो लगातार उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के अवधि को लेकर सियासत तेज थी, और आज सत्र की शुरुआत होने जा रही है। पहला दिन है जिसमें दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसमें मौजूद होने के लिए सभी दल के विधायक पहुंच रहे हैं सदन। तो आज मॉनसून सत्र का पहला दिन, और ऐसे में हलचल भी तेज है, क्योंकि सत्र के शुरुआत से ही पहले से ही इसको लेकर सियासत तेज थी। अवधि को लेकर तमाम तरीके की बातचीत, बयानबाजी सामने आ रही थी। विपक्ष इस अवधि को लेकर ये कह रहा था कि इस अवधि को इसलिए कम रखा गया है ताकि प्रश्नों के जवाब ना देने पड़े। लेकिन अब जब सत्र की शुरुआत हो रही है तो कहा जा रहा है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है, हंगामेदार होने के आसार है। तो ऐसे में आज सत्र का पहला दिन है, और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी पहले दिन सभी दिवंगत विधायकों को। तो आज पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक श्रद्धांजलि देंगे, और कल प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, तो 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। कई विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं।
अब आपको सीधे ले चलते हैं भराड़ी सेन, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। विधानसभा में पूर्व विधायक कैलाश चंद भेदुड़ी जी, जो इस समय तक जब उनका निधन हुआ था वो वन विकास निगम के अध्यक्ष थे, और उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने आप में मैं समझता हूँ कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत भारी मन है, बड़ा कष्ट है, क्योंकि जब भी हम हर दिल अजीज और मृदुभाषी जो भी हमारे साथी होते हैं उनको जब भी हमको श्रद्धांजलि देनी होती है और सदन में हम इसकी शुरुआत करते हैं तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है। मैं आज उनके निधन पर सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और ये निश्चित रूप से उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक अपूर्णीय क्षति है जिसको भर पाना संभव नहीं है। उनकी कमी हमेशा मुझे खलेगी, भले ही मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा था लेकिन उनके रहते हुए हमेशा उन्होंने मुझे इतना भरोसा दिया, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे, और बीमारी में रहते हुए भी कई बार वो मुझसे बात नहीं कर पाते थे, तो मेरे आसपास मेरे पास इस प्रकार का संदेश जरूर भेज देते थे कि थोड़ा उनको कहना कि इस प्रकार से चिंता कर लो, इस तरफ सोच लो। और एक विधायक के रूप में चंपावत क्षेत्र के विकास के लिए उनका समर्पण हमेशा एक प्रेरणा पुंज का कार्य करेगा। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण और हर पल समाज के उत्थान और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने सरकारी सहायताओं के अतिरिक्त भी अपने स्वयं के संसाधनों से लगातार लोगों की उन्होंने सेवा की, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति की समस्याओं को वो ध्यानपूर्वक सुने, उनका समाधान करें। गहतोड़ी जी के योगदान को शब्दों में बात पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो उनकी विशेषता थी जो उनको सबसे अलग बनाती थी वह है उनका असीम त्याग और बड़प्पन। आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी आंखों में उनके साथ बिताए हुए पल सामने आ रही हैं, ऐसी स्मृतियाँ जो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मैं आप सबको पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब मुझे चुनाव से ठीक 6 माह पहले ये दायित्व तो दिया गया था और मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी सरकार लाने की, उस समय मैं पूरे प्रदेश के सघन दौरों पर रहता था। शायद एक आध बार भी मैं चुनाव प्रचार के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पाया था और उसका नतीजा हुआ कि मैं अपना चुनाव हार गया था। तब कई साथी विधायकों ने मुझे उस समय में आगे आकर मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे कहीं ना कहीं ऊर्जा देने का काम किया और कहा कि हम आपके लिए ये सीट, इस सीट से आप चुनाव लड़ लीजिए, सीट लड़ लीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए। लेकिन सबसे पहले चुनाव का रिजल्ट आया था और उसके 10-15 मिनट बाद ही जो है चंपावत का रिजल्ट आया होगा, तो वो मंदिर में गए हुए थे और वहाँ मंदिर में उनको पता लगा कि जो है कि मेरे चुनाव का रिजल्ट ऐसा हो गया, तो वहीं से उन्होंने मुझे फोन मिलाने की कोशिश करी और जब मेरा फोन नहीं मिला तो उन्होंने स्वतः ही जो है वहाँ से घोषणा कर दी कि मैं मेरे लिए जो है वो सीट खाली कर देंगे और माने कि मैं फिर मेरे पास आए वहाँ से, और आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि आप तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आ गई थी, और उन्होंने तब मुझे कहा, मैं 2-3 बार रात को आ जाते थे और सत्र चल रहा था तो मुझे बोले कि मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा, मैं सत्र में नहीं भाग लेना चाहता हूं, मैंने मन से जो है मान लिया कि मैं अब विधानसभा का सदस्य नहीं हूं। तो
उनका जो ये प्रेम था, स्नेह था, उसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। ऐसे त्याग की मिसाल बहुत कम मिलती है और इसके लिए मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा कि ऐसे कठिन समय में, मैं सुना करता था कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोग बहुत लोगों की सहायता करते हैं, और मुझे पहली बार अपने जीवन में एहसास हुआ कि कैलाश दा ने जब मुझे जो है इस प्रकार से किया। और इस सदन को मैं आज ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे कैलाश गहतोड़ी जी चंपावत की देकर गए, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अपना हर पल समर्पित रहूँगा, और उनके जो सपने थे उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, उस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी का जन्म 15 अगस्त 1968 को चंपावत के ग्राम सेलवा में हुआ था। कैलाश जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 2003 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद लगातार विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर सक्रियता के बाद 2009 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। 2015 में जब वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए, तब भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समाज के प्रति अपनी निष्ठा से राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2017 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव जीता। 2022 में बीओ चंपावत से पुनः विजयी हुए। स्वर्गीय गहतोड़ी जी के उत्कृष्ट कार्यों और जनसेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण के कारण 2018 में उत्तराखंड रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया, और उन्होंने विधायक रहते हुए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर 200 निर्धन कन्याओं का विवाह और 50 गरीब व्यक्तियों का इलाज भी करवाया। यह उनका एक समर्पण था समाज के प्रति। यह दिखाता है कि वो अपने पद का उपयोग केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए करते थे। वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। दुर्भाग्य से जनवरी 2024 में उनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया और वह पुनः कैंसर से ग्रस्त हो गए। 3 महीने तक उनका उपचार अनेक जगह पर हुआ, उनको उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। 3 मई 2024 को उनका दुखद निधन हो गया। उनके जाने से मैंने एक अत्यंत प्रिय साथी, सहयोगी, मित्र, बड़े भाई को खो दिया है। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान मैंने देखा उस दौरान कि हर राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। उस दिन हर किसी की आंखें नम थी। उनके निधन से राज्य के एक समर्पित नेता और समाज सेवी को खो दिया। इस सदन की ओर से हम सभी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अंत में मैं कैलाश जी के लिए बस यही कहूँगा कि दृढ़ निश्चय लेकर विकास के जिस पद पर बढ़े थे आप, उस पद पर चलकर आदर्श चंपावत का सपना अवश्य होगा साकार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती शैला रावत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है और जिस तरह से उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में अपने को मजबूती के साथ स्थापित किया और इससे स्पष्ट होता है कि उनकी एक मजबूत पकड़ थी, और निश्चित रूप से उनका सामाजिक सरोकारों से गहरा जुड़ाव, गहरा रिश्ता रहा। सरलता और सालिकता उनकी विशिष्ट पहचान थी।
हम समझते हैं कि वह नारी शक्ति की प्रतीक भी थी। उनका जीवन परचाई, उनके ग्रामीण जीवन के दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन को परिदर्शित करता है। पहली बार सन 1987-97 में अगस्तमणि विकास खंड की प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुई और 2003 में राज्य गठन के पश्चात जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें सेवा करने का अवसर मिला, निर्वाचित हुई और पुनः कालीपट जिला पंचायत के सदस्य के रूप में 2008 में उनका निर्वाचन हुआ और इसी तरह 2012 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ। उत्तराखंड विधानसभा के सार्वजनिक उपक्रम निगम समिति के सदस्य के रूप में 2013-14 में उत्तराखंड विधानसभा के सार्वजनिक उपक्रम निगम समिति के सभापति के रूप में, सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में 2014-16 तक सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका एक विशेष योगदान रहा है। सामाजिक सरोकारों से उनका एक गहरा रिश्ता था। वर्ष 1978 में चिल्ड्रन एकेडमी इंटर कॉलेज की विद्यालय की स्थापना भी उन्होंने की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।